बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा, आप देख रहे हैं जे ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसका टाइटल देखते हैं, फिर उस पर देते हैं अपना रिएक्शन। तो आज की वीडियो का टाइटल है ट्रेवल टू मुंबई डॉक्यूमेंट्री और हिस्ट्री अबाउट मुंबई। तो ये जी मुंबई पर डॉक्यूमेंट्री वीडियो है हिस्ट्री पर। तो चलते हैं, पहले वीडियो देखते हैं और फिर देते हैं इस पे अपना रिएक्शन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरी तरफ से ताबीज टीवी देखने वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्तों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर मुंबई की। मुंबई जिसे ख्वाबों का शहर, अमीरों की सरजमीन, गरीबों का देवता और न जाने कितने ही लोगों ने अपने अपने हिसाब से कितने ही नाम इस शहर को दे रखे हैं। तो आज मैं आपको इस शहर के बारे में कुछ दिलचस्प हकैक और सियाती मकामात के बारे में बताऊंगा, जिन्हें जानकर आपकी मालूमात में इजाफे के साथ साथ आपकी सैर सियात और दिलचस्पी में भी इजाफा होगा। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले हमारे चैनल ताबीर टीवी को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। दोस्तों, मुंबई भारत रियासत महाराष्ट्र का दारुल हुकूमत और मुल्क का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है। यही नहीं, इस शहर को 2018 में अक्वामे मुतहिदा की तरफ से शाय किए गए अदाद शुमार के मुताबिक दुनिया के सातवें सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर होने का एजाज भी हासिल है। 2011 में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट में मुंबई को ग्रेटर मुंबई का दर्जा दे दिया गया। मुंबई भारत के मगरबी साहल पर वाके है और इसे भारत की सबसे गहरी बंदरगाह होने का एजाज भी हासिल है। 2008 में मुंबई को अल्फा वर्ल्ड का खिताब भी दिया गया। मुंबई को भारत के सबसे ज्यादा करोड़पति और अरबपति लोगों का शहर भी कहा जाता है। ये शहर आलमी सकाफती विरसा और दौरे जदीद की नई टेक्नोलॉजी से आरास्ता बेमिसाल मंसूबों का मरकज भी कहलाता है। मुंबई का कुल रकबा 603.4 मुरबा किलोमीटर है। इस शहर की कुल आबादी 1,28,51,726 नफूस पर मुश्तमिल है। इस शहर को मुंबई और मुंबई के नाम से पुकारा जाता है। इस शहर का नाम कुछ तारीखी हवालों से मुंबा देवी के नाम से मंसूब किया जाता है। आज भी इस शहर में मुंबा देवी टेंपल मौजूद है, पर कुछ लोग इसे बंबई के नाम से भी पुकारते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा बुलंदतरीन इमारतें भी मुंबई में ही वाके हैं। इस शहर में 40 फ्लोर से लेकर 117 फ्लोर तक की 170 से भी ज्यादा इमारतें मौजूद हैं। 117 फ्लोर वाला वर्ल्ड वन टावर भी मुंबई में मौजूद है। इसके अलावा दीगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी इस शहर में वाके हैं। इंडिया के अरबपति मुकेश अंबानी का $1 बिलियन से तामीर किया गया घर भी मुंबई की शान शौकत में इजाफा करता है और इस घर को दुनिया के महंगे तरीन घरों की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। इंडिया में पहली मरतबा बस और रेलवे का इफ्तिताह भी मुंबई शहर से ही हुआ था। लोगों को डिब्बों में खाना पहुंचाने वाले खाने का डिब्बा फर्म को आप अच्छी तरह जानते होंगे। ये लोग हर रोज बिना किसी गलती के 2 लाख से ज्यादा अफराद को खाना पहुँचाते हैं। वाकई मुंबई में बहुत रश है। खाना पहुंचाने का ये निजाम पूरी दुनिया में इंडिया के शहर मुंबई में सबसे ज्यादा फेमस और सक्सेसफुल है। मुंबई की मगरबी सरहद बोहिरा अरब से मुंसलिक है। शहर की सतह समंदर से औसत बुलंदी 46 फीट है। इस शहर का सबसे बुलंद तरीन मकाम 1,476 फीट बुलंद है। तुलसी झील और विहार झील शहरी हदूद में वाके बोरेली नेशनल पार्क में मौजूद है। बंबई में दो बड़े मौसम गर्मा और मौसम सर्मा पाए जाते हैं।
पहाड़ भी दिसंबर है, से फरवरी तक है। सर्दी, मार्च से मई तक गर्मी, जून से सितंबर तक मानसून का मौसम होता है। मानसून के दौरान इस शहर को सैलाब का सामना भी करना पड़ता है। मुंबई में सबसे ज्यादा सालाना औसत बारिश 1954 में 3452 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। 26 जुलाई 2005 में एक ही दिन 944 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड भी मौजूद है। शहर का सालाना औसत दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 31 सेल्सियस और कम से कम 14 सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। मुंबई 1990 तक एक पुरअमन शहर था, लेकिन 1992 में अयोध्या में हिंदुओं की तरफ से मुसलमानों की तारीखी मस्जिद बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद ऐसे शरंगेज फसादात शुरू हुए जिनकी लपेट में ये शहर भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। इन फसादात में 1000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। 1993 में इस्लाम पसंद और अंडरवर्ल्ड के मुश्तरका बम धमाकों में 257 अफराद हलाक और 700 से ज्यादा जख्मी हुए। 2006 में शहर की मुसाफर ट्रेनों पर बम धमाकों के नतीजे में 209 अफराद हलाक और 700 से ज्यादा जख्मी हुए। 2008 में एक होटल पर हमले के नतीजे में 173 अफराद हलाक और 308 जख्मी हुए थे। मुंबई जनूबी एशिया का सबसे बड़ा शहर और दुनिया की मशरूफ फिल्मी सनत का मरकज भी बन चुका है। मुंबई इंडिया का सबसे बड़ा और मशहूर तिजारती शहर भी है। यह शहर उनकी पैदावार में 6.16% आमदनी पैदा करता है। इस शहर में फैक्ट्री मुलाजमत 10%, सनती पैदावार 25%, इनकम टैक्स वसूली 33%, कस्टम ड्यूटी 60% और दीगर बड़े बड़े ज़राए आमदनी मौजूद हैं। लार्सन एंड टोब्रो बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टाटा ग्रुप के अलावा 500 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों का ताल्लुक भी मुंबई से है। दुनिया के 28 अरबपति मुंबई शहर में रहायश पजीर हैं, जिनकी दौलत 820 बिलियन US डॉलर के बराबर है। इसी वजह से इस शहर को दुनिया का 7वां अरबपतियों का शहर माना जाता है। मुंबई दुनिया का तीसरा बड़ा महंगा तरीन ऑफिस मार्केट शहर भी है। मुंबई शहर को 7 पुलिस जोन और 17 ट्रैफिक पुलिस जोन में तकसीम किया गया है। ट्रैफिक पुलिस मुंबई पुलिस के मातहत एक नीम खुद मुख्तियार इदारा है। मुंबई इंडियन नेशनल कांग्रेस का रिवायती गढ़ और जय प्रदेश भी कहलाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला इजलास मुंबई में 28-31 दिसंबर 1885 के दौरान मुनक़िद हुआ था। मुंबई में मुसाफिरों के आने जाने के लिए बसों, रेलवे, मेट्रो, टैक्सी और ऑटो रिक्शा की सहूलत मुयसर है। ऑटो रिक्शा को सिर्फ मुंबई के मुजाफाती इलाकों में चलने की इजाज़त है, जबकि टैक्सियाँ शहर भर में किसी भी जगह आ जा सकती हैं। शहर में तमाम ऑटो रिक्शा और टैक्सियों को कुदरती गैस पर चलाने की हिदायत की गई है। मुंबई शहर में रोजाना 2.8 मिलियन से ज्यादा लोग बसों पर सफर करते हैं। इन मुसाफिर बसों में सिंगल डेकर, डबल डेकर, एयर कंडीशन और यूरो बसें शामिल हैं। मुंबई का रेलवे सिस्टम शहर में आमदोरफ्त के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना 6 मिलियन से ज्यादा लोग ट्रेन का सफर करते हैं। इंडिया का रेलवे सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम शुमार किया जाता है। 2014 में शाये की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई शहर में 7,21,000 गाड़ियां रजिस्टर्ड थीं, जबकि 56,459 काली और पीली टैक्सियां और 1,06,000 ऑटो रिक्शा रजिस्टर्ड थे। शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई का सबसे ज्यादा और इंडिया का दूसरा मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट से सालाना 40 मिलियन लोग हवाई सफर करते हैं। मुंबई में दो बड़ी बंदरगाहें मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। मुंबई शहर में पीने का पानी सबसे ज्यादा टैंक सिस्टम से हासिल किया जाता है। मुंबई में मौजूद पानी को साफ करने वाला बंडर फिल्ट्रेशन प्लांट एशिया का सबसे बड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट है। मुंबई की शराखानदगी 94.7% है। शहर में कच्ची आबादी में रहने वालों की तादाद 9 मिलियन बताई जाती है। मुंबई में मर्दों की तादाद औरतों की निस्बत बहुत कम है, यानी 1000 में से 838 खवातीन हैं। मर्दों की तादाद में कमी की वजह मुल्क से बाहर जाकर काम करना बताई जाती है।
मजहबी एतबार से इस शहर में सबसे ज्यादा तादाद हिंदुओं की है जो 65.99% बनती है। इसके बाद मुसलमान 20.65%, बुद्ध मत 4.85%, ईसाई 3.27% और सिख 0.49% हैं, जबकि बाकी आबादी में दीगर छोटे छोटे मजहब को मानने वाले लोग आबाद हैं। नस्ली एतबार से इस शहर में यहूदी, पारसी, यूनानी, गोरी, इस्माइली और खोजास लोगों की औलाद रहश पजीर हैं। इंडिया की 16 बड़ी जुबानें मुंबई शहर में बोली जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मराठी जुबान बोली जाती है। दीगर ज़्यादा बोली जाने वाली जुबानों में हिंदी, गुजराती, कोंकणी और उर्दू के अलावा अंग्रेजी जुबान भी पढ़े लिखे तबके में बहुत ज़्यादा मकबूल है। मुंबई के लोग मगरबी और इंडियन दोनों त्यौहार मनाते हैं, जैसे दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, नवरात्रि, गुड फ्राइडे, दशहरा, मुहर्रम, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा और महाशिवरात्रि वगैरह। मुंबई यूनिवर्सिटी इंडिया की एक अहम यूनिवर्सिटी है। 2011 में अमेरिका की एक नशरियाती इदारे की शेयर की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई यूनिवर्सिटी को दुनिया की 50 बेस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों में 41वें दर्जे पर शुमार किया जाता था। क्रिकेट शहर में खेले जाने वाले खेलों में सबसे ज्यादा शोहरत का हामिल खेल है। मुंबई इंडिया की BCCI और इंडियन प्रीमियर लीग का मरकज है। मुंबई में दो बैन अल-अक़वामी क्रिकेट ग्राउंड हैं, एक वानखेड़े स्टेडियम और दूसरा ब्राबोर्न स्टेडियम। 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया और मुंबई शहर ICC के फाइनल मैच की मेजबानी भी कर चुका है। मुंबई के दीगर मशहूर खेलों में फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, कबड्डी और रग्बी यूनियन शामिल हैं। मुंबई की कुल GDP 151 बिलियन US डॉलर है। दोस्तों, मुंबई घूमने के लिए आपको कुछ सबसे बेहतरीन और हैरानकुन तफरीही मकामात के बारे में बताऊंगा, जिनको देखे बिना मुंबई की सैर अधूरी तस्वर की जाएगी। नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा। इस म्यूजियम में आपको इंडिया के हर दौर की फिल्मों का अक्स नजर आएगा। इस म्यूजियम में आकर आप हैरान रह जाएंगे कि बॉलीवुड ने अपनी कामयाबी का सफर किन किन मुश्किलों से गुजर कर किया है। जोहो चौपाटी। जोहो चौपाटी मुंबई की सबसे मसरूफ और खूबसूरत बीच है। इस बीच के नज़ारे बॉलीवुड फिल्मों में भी कैद किए जा चुके हैं। एलिफेंटा केव्स। अगर आप घूमने के बहुत शौकीन हैं तो एक बार आपको एलिफेंटा केव्स जरूर जाना चाहिए। ये गारे एक जजीरे पर वाके हैं जहां कश्तियों के जरिए पहुंचा जा सकता है। बड़े मियां रेस्टोरेंट मुंबई के तफरीही मकामात के साथ इस शहर में लजीज खाने के शौकीन अफराद के लिए बहुत ही उम्दा जगह है। दीगर मशहूर और तफरीही मकामात में क्रॉफोर्ड मार्केट, हाजी अली दरगाह, सिद्धि विनायक मंदिर, मालियन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और ऐसी बहुत सी जगह और भी इस शहर में मौजूद हैं जहां आप घूमने का शौक इंतहाई दिलफरेबी से पूरा कर सकते हैं। मुंबई शहर के स्ट्रीट फूड में पानीपुरी, बेलपुरी, फालूदा, कालागट्टा और ऐसे मज़े मज़े के बहुत सी डिशेस खाने को मिल सकती हैं। दोस्तों, ये थी मुंबई शहर के मुताले कुछ दिलचस्प और हैरानकुन मालूमात जो यकीनन आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करके लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरी और आपकी मुलाकात होगी ऐसी ही किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त फारूक अदील को दें इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। थी वीडियो जी, बिल्कुल। जो लोग सेहत को पसंद करते हैं, जो सियाह मतलब के सैर तफरी को जो पसंद करते हैं, वो लोग जो हैं वो मुंबई की जो विजिट है वो कर सकते हैं। कमाल के नज़ारे हैं, सहले समंदर है और सहले समंदर के किनारे पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं
और कमाल के नज़ारे दिखा रही हैं। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कि यूएसए के जो सारे समंदर होता है ना, और उसके दूर किनारे से ऊंची ऊंची बिल्डिंग नजर आ रही होती हैं, ऐसा ही नज़ारा जो है वो मुंबई में है। तो जो इसकी खास खास मुझे बातें आज वीडियो देखने के बाद मिली, उसमें सबसे पहले जो थी कि ये जो शहर है ये अरबपतियों का है। मेरे ख्याल में बता रहे थे कि पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर है कि इसमें करोड़पति अरबपति जो बंदे हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और दुनिया के 7वें नंबर पर है ये। तो दूसरे नंबर पर ये जो इसमें दिखाए गए कि ये पॉपुलेशन के हिसाब से मेरे ख्याल में 1.5 करोड़ से ऊपर ऊपर इसकी आबादी है, पॉपुलेशन के हिसाब से भी ये दुनिया का 6ठा 7वां नंबर पे शहर है पूरी दुनिया का। इसकी जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है और बहुत ही मसरूफ शहर है ये। तो जो इसमें जो चीजें आई हैं वो ये कि ये जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड का स्टार्ट मेरे ख्याल में इसी शहर से हुआ, बॉलीवुड को अरूज इसी शहर से मिला, और बड़े बड़े जो एक्टर हैं और एक्ट्रेसेस हैं उनको जो शोहरत है वो इसी से मिली। और जो इंडिया के जो मशहूर स्टेडियम है क्रिकेट के, और वो भी इस पर ही है, और 2011 का वो बता रहे थे कि जो वर्ल्ड कप का जो फाइनल है वो इस पर होगा हुआ था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए जो इंडियंस की जो सारा कुछ है, वो मुंबई जो है वो इंडिया का एक मसरूफ शहर है। सियाही एतबार से अगर सैरोतफी किसी ने करनी हो तो वो भी विजिट कर सकते हैं, और बड़े बड़े अच्छे उनको सियाही तफरी मकामात मिलेंगे जहां पर वो अपनी तफरी कर सकते हैं और बड़े अच्छे चीजें जो विजिट कर सकते हैं। इस शहर में सबसे ज्यादा जो आबादी थी वो बता रहे थे कि हिंदू हिंदू हिंदुओं की है, दूसरे नंबर पर जो है वो मुसलमानों की है, फिर आगे क्रिश्चियन और दूसरे माइनरी जो लोग छोटे छोटे तो मजहब है वो है। तो ज्यादा जो इसकी तादाद है वो हिंदुओं की है, तो दूसरे नंबर पर मुसलमानों की है। तो इसमें ये कि ये जो शहर है ये तफरी इतबार से और हिस्टोरिकली हर तरह से ये इंडिया का ऐसे कह रहे हैं कि जैसे दिल है, जो सारे जो अच्छे अच्छे मतलब काम है वो सारे मुंबई में है, हर तरह की जो चीज है वो मुंबई है। मुंबई वाकई इसमें मैं देख रहा था रोड्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो सारे नज़ारे पेश कर रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे बंदा कोई इंडिया में नहीं कहीं यूरोप की सैर कर रहा हो। तो कमाल है, मुंबई एक कमाल मतलब क्या है ये ट्रैवलिंग में ये कमाल का चीज है। अगर किसी ने कोई विजिट करना हो, ट्रैवल करना हो, तो वो मुंबई को लाजमी ट्रैवल कर, अगर कोई बंदा इंडिया जाए तो वो मुंबई को लाजमी विजिट करे। जैसे हमारे पाकिस्तान में है ना जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया नहीं, मैं कहता हूँ जिन्हें इंडिया में रहता है और जिन्हें मुंबई नहीं देखा वो जमिया नहीं, क्योंकि वो बड़े खूबसूरत नज़ारे पेश कर रहा है और बड़े बड़े अच्छे नज़ारे तफरी इतबार से सियाही इतबार से बड़ा अच्छा है। तो विजिट करना चाहिए जो इंडिया में जाए, और जो इंडिया में हैं लोग उनको वो चाहिए कि वो मुंबई का लाजमी विजिट करें, बड़े कमाल के नज़ारे देखने को मिले हैं। तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।